king. चाहे तुम्हें बुरा लगा, मैंने यूं फौरी तौर पे तुम्हें बुला लिया, लेकिन ये करना जरूरी था थैनियत। तायरा, आप ही की गैर मौजूदगी में हमसे कोई कोताही ना हो जाए, यही बेहतर। मुर्तजा, मैं अपनी खुशी और मर्जी से इस घर से जुड़े रिश्तों के लिए जो कुछ कर सकती हूँ कर रही हूँ। मैं कोई कोताही तो कर सकती हूँ, लेकिन बेईमानी नहीं। एहतसाब सिर्फ मुझ पे नहीं, आप पे भी उतना ही फर्ज है। बेईमानी मतलब? मतलब ये कि एक औरत होने के नाते आपको ऐसा लगता है कि घर की बुनियादें मजबूत करना सिर्फ मेरा फर्ज है। ओ प्लीज तहनियत, अगर तुम शॉपिंग पे गई भी थी, मैंने तुम्हें घर बुला लिया तो तुम्हें बुरा लग गया इस बात का? तुम जानती हो कि अम्मी को कितना तेज बुखार था, ऐसे में अगर मेरा लहजा सख्त भी हो गया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम भी तो लाहौर गई थी, भूल गई तुम अम्मी और ताहिरा आप ही ने किस तरह बच्चों का ख्याल रखा था? तहनियत, अम्मी बीपी पेशेंट है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो, और उल्टा तुम मेरी बात समझने की बजाय मुझसे झगड़ा कर रही हो। सब बात को कोई और रुक दे रहे, मेरे कहने का सिर्फ। तहनियत प्लीज, बहुत हो गया, मैं मजीद इस मौजू पर बात नहीं करूंगा।